इसके बाद अब हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं गोदाम के हिसाब से, क्या करते हैं गोदाम मतलब माल कहां कहां रखा है, तो इसके लिए हमें एक्टिवेट करना होता है, क्या करना होता है F11 दबाओगे, क्या दबाओगे इन्वेंट्री पे जाओगे और यहां पर लिखा होगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, क्या लिखा होगा के सामने यस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जैसे यस करोगे और इसे सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा, क्लियर, क्या करोगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, क्या करोगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, क्लियर, कोई दिक्कत, कैसे किया फंक्शन की F11 दबाना है, फिर इन्वेंटरी फीचर्स पे जाना है, यहां पर यस करना है, ऐसा करते ही यहां पर एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा गोडाउन का, देखिए आगे जैसे गोडाउन पे जाओगे तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे सिंगल और मल्टीपल, तो सिंगल ऐसे काम चल जाएगा, एक देवरी गोडाउन बना दिया और एक सागर गोडाउन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया देवरी और क्लियर, जब देवरी और सागर गोडाउन बना दिया तो इसमें माल खरीद होगा, तो अब क्या होगा जब भी आप स्टॉक खरीदेंगे माल खरीदेंगे तो परचेज करेंगे, परचेज तो यहां पर आपने कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा माल लो, तो यहां तुरंत आइटम एलोकेशन फॉर कंप्यूटर किस गोडाउन में जाएगा, उन्होंने कहा देवरी में जाएगा, कितना उन्होंने कहा 10 कंप्यूटर जाएंगे, उन्होंने कहा सागर में कितना जाएगा, उन्होंने कहा 5 कंप्यूटर जाएंगे, तो इस तरीके से 15 कंप्यूटर का हिसाब किताब अब इसमें रखा जाएगा, समझ में आया कि नहीं, माल बेचने की बारी आएगी तो यहां पर जाएंगे अल्ट सी करेंगे सेल्स, सेल्स में जाएंगे और यहां पर कर देंगे क्या कंप्यूटर, अब मान लो हमें कितने कंप्यूटर बेचना है देवरी से बेचना है 15 कंप्यूटर, तो केवल 10 ही बेच पाओगे, क्या यदि 15 लिख दोगे तो 5 स्टॉक माइनस में चलेगा, देखो नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसलिए कितने बेच पाओगे यहां से केवल 10, 26,000 का एक कंप्यूटर, और 5 यदि देना है तो आप सागर से दे दो, क्या दे दो तो बेच सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्या बेच सकते हैं, ठीक है, तो गोडाउन समझ में आया कि नहीं आया, तो जी गोडाउन को एक्टिवेट करना कहलाता है, कैसे किया फंक्शन की F11 प्रेस किया और इन्वेंट्री, यहां से F1 दबाओगे तो अकाउंट आएगा, F2 दबाओगे तो इन्वेंट्री आएगा, F3 दबाओगे तो स्टेटरी आएगा, ये टेली 9.0 में होता है, ठीक है, तो इन्वेंट्री F2 दबाया तो आप वहां पहुंच गए, तो यहां पर आपको यदि उसमें एंट्री हो चुकी है तो आपका कर्सर अब वहां नहीं जाएगा क्योंकि अब डिसेबल नहीं होगा क्योंकि एंट्री उससे रिलेटेड हो चुकी है, तो आपका देखिए कर्सर ऊपर नीचे भाग रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत, ये कब जरूरत पड़ती है जब एक व्यापारी होता है वो 10 जगह अपना माल स्टोर करके रखता है कि भैया इस गोडाउन में गोडाउन 1 में 10 क्विंटल रखा है, गोडाउन 2 में 20 क्विंटल रखा है, गोडाउन 3 में 50 क्विंटल रखा है, ऐसा हिसाब किताब अब किस गोडाउन में कितना पड़ा है जिस हिसाब किताब रखने के लिए वो यहाँ पर टैली में क्या बनाता है गोडाउन क्रिएट करता है, राइट, बन जाएगा, बिल वाइज डिटेल अपन कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं है, बिल वाइज मुझे आ गए, चलो अब अगला चरण जो है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का यूज करना बिल वाइज डिटेल में, क्या आप कर सकते हो, अभी तक क्या था हम जो आइटम बनाते थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब हम आज से डाल पाएंगे, कैसे, जब भी हम कोई भी आइटम बनाएंगे तो यहां पर ऑप्शन आएगा, देखिए कि आइटम पे जाएंगे क्रिएट, जैसे लिखा हमने कीबोर्ड, क्या लिखा कीबोर्ड, जैसे हमने कोई भी डाला नक्श डाला तो नीचे कुछ और आएगा, क्या आया मेंटेन बैच वाइज बैचेस लिखा, क्या लिखा है मेंटेन इन बैच, ठीक है, तो यहां जैसे यस करोगे तो फिर आया ट्रैक डेट ऑफ MFG मैन्युफैक्चरिंग, फिर लिखा है यूज एक्सपायरी डेट्स,
इस पे भी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों डेट आप डाल सकते हो, केवल कीबोर्ड में डाल पाओगे क्योंकि कीबोर्ड में ही एक्सपायरी सेट किया है। तो यहां से आए परचेज पे जाएंगे, जैसे ही कीबोर्ड डाला तो तुरंत गोडाउन के साथ देखिए क्या निकला, गोडाउन तो आ ही रहा है, साथ में क्या आ रहा है न्यू, यहां से 100 नंबर, यहां पर क्वांटिटी 100 और रेट 25,000 आ गया। अब 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, 31 दिन तक इसकी एक्सपायरी डेट रहेगी, ठीक है, या डेट भी डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, जो भी तुम्हें डेट डालना है, 30/3/2022 इस तरीके से हम एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं। ये डेट कहां से हमने सेट की, F11 दबाया, F2 दबाया, यहां से हम कहां पहुंचे, देखिए मेंटेन बैच वाइज डिटेल के सामने हमने यस किया, फिर इसके सामने सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस के सामने हमने यस किया। ऐसा करते ही आप किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हो, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, क्लियर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री एंट्री भी करना पड़ सकती है, ये सारी समस्याएं आती जाएंगी अब तो अब क्या होता है, एक के साथ एक फ्री करोगे तो एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री नहीं चला जाएगा, चलो पैसा भले कम मिले लेकिन स्टाफ को मेंटेन कैसे करोगे, तो उसको F11 के द्वारा यहाँ पर फिर से हमें उसी के जस्ट नीचे लिखा है यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्यू टीम क्वांटिटी लिखा है, इसके सामने यस करना है, क्या करना है, ऐसा करते ही आपके सामने एक कॉलम ऐड हो जाएगा, देखिए हुआ कॉलम ऐड। अब जैसे माल बेचोगे तो क्या करोगे, कोई भी माल बेचते समय या खरीदते समय हो सकता है आपको मिल रहा हो, जैसे कीबोर्ड लिखा हमने देवरी से लिखा एक 100 नंबर का आइटम, तो एक्चुअल में कितने कीबोर्ड जा रहा है, 3 कीबोर्ड जा रहा है और 2 के साथ एक फ्री दे रहा है, क्या दे रहा है, तो पैसा कितने का लगेगा आपको, बिल कितने का बनेगा, 2 का जाएंगे कितने, 3, और एक मान लो कीबोर्ड हो गया तुम्हारा 5,000 का, तो 2 कीबोर्ड कितने के आएंगे, तो ये स्थिति इस तरीके से बन जाएगी, क्लियर। ये कहां से किया, F11 दबाया, F2 दबाया और ये लिखा है यूज डिफरेंट एक्चुअल एट बिल ड्यूटी बाय, ठीक है, क्वांटिटी, राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्लियर आएगा समझ में। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, गोडाउन देख लिया, मैं एक्सपायरी डेट देख ली, और क्या देख लिया हमने, एक्सपायरी डेट और एक्चुअल बिल, तो 3 प्रकार से हमने एंट्रियां करना इसमें सीख लिया, राइट।